अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, कैसे हैं सब स्टूडेंट्स? जी आज का जो सेशन है, ठीक है, आज क्वेश्चन आंसर सेशन है। क्वेश्चन आंसर के हवाले से हमें कि आप क्वेश्चंस कर सकते हैं जो आपकी क्यूरीज रहती हों। इसके साथ साथ हम फ्रीलांसर को आज देखेंगे कि वहां पर किस तरह बिल होती है, किस तरह हम काम करते हैं। मोहम्मद अशीब, कैसे हैं आप? जी स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन क्यूरी आपका पास्ट लेक्चर में से? क्या कोई क्वेश्चन क्यों नहीं है? वॉइस मेरी आ रही है ठीक? आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल ठीक है। नहीं जी, को क्लाइंट का रिस्पांस आया हो, क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन आपकी हुई हो, एनी वन ऑफ यू? अक्सर ऐसे अवेलेबल हैं, मुजम्मिल इमरान, उमर तारिक खान, उमैर असलम, रोहान आसिफ, हसीब जकिया, आरटी मनान, कोई भी इनमें से अवेलेबल नहीं है?
हाथी लहसुन, मारिया बकर, एनी वन ऑफ यू, किसी का कोई क्वेश्चन क्यूरी, क्लाइंट के साथ किसी ने कम्युनिकेशन की हो, कोई इशू आ रहा हो तो काइंडली शेयर करें। उस्मान आपका मैंने देखा था आपके साथ, वो क्लाइंट जो कह रहा है वो इंशाल्लाह आज डिटेल शेयर करेगा। आई बिलीव वो आपको ये प्रोजेक्ट अवार्ड कर देगा, ठीक है। उसका जो मोटिव है या जो उसका पॉइंट था, ठीक है, वो यही कह रहा था कि उसे स्पीच ऑप्टिमाइजेशन पे काम चाहिए, ठीक है, कि उसकी वेबसाइट जो वर्डप्रेस की वेबसाइट है उसको स्पीड अप करना है। तो इंशाल्लाह आप आई बिलीव वो कर लेंगे और अच्छे प्रोजेक्ट होंगे। उसने बताया कि 5 उसकी वेबसाइट है, जैसे मैंने आपके मैसेज पढ़े थे उसके मुताबिक मैं बता रहा हूँ आपको कि 5 उसकी वर्डप्रेस की वेबसाइट हैं। सिर्फ स्पीड ऑप्टिमाइजेशन ही करनी है, उसके साथ ट्वीक्स भी हैं। आप पर वेबसाइट का उससे $100 तक चार्ज कर सकते हैं, वो डिपेंड करते हैं आप देख के उसे, उसके बाद वो आप चार्ज कर सकते हैं। वो काम से इंप्रेस हुआ हुआ है, उसे जो पोर्टफोलियो आपने सेंड किया था उसकी स्पीड अच्छी है, बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है आपने वो सेंड किया था, उसके ऊपर वो आपको प्रोजेक्ट देगा और वो उसके लिए पैसे अच्छे पे करने के लिए भी तैयार होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो कम पैसे पे करे, बट इट्स अप टू यू नो कि आप उसे किस तरह मैनेज करते हैं, किस तरह उसको लेके चलते हैं। ठीक है उस्मान, अच्छा जो अभी अवेलेबल है काइंडली मुझे बताइएगा कौन कौन आप में से अवेलेबल है, अपना नाम कमेंट कीजिएगा। जो जो अवेलेबल है राइट नो काइंडली अपना नाम कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे पता चल जाए कि आप अवेलेबल हैं, मैं आपके साथ फिर कम्युनिकेट करूँ। अच्छा मैं कह रहा हूँ जो जो ऑनलाइन है इस टाइम पे अवेलेबल है काइंडली अपना नाम कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे आइडिया हो कि आप अभी अवेलेबल हैं। तलहा अहमद, ठीक है, वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम सर, क्लाइंट ने मैसेज किया है, ही सेंट मी अ पीडीएफ फाइल ऑफ ऑटो पार्ट्स एंड ही वांट्स टू मेक अ विश लिस्ट फॉर इट, काइंडली गाइड मी हाउ टू मेक अ विश लिस्ट। अच्छा विश लिस्ट कहाँ पर बनानी है, उसने कोई बताया, उसने क्या आपको भी गाइड किया हुआ है, उसने मीन्स क्या बताया आपको कि विश लिस्ट बनानी है, कहाँ पर बनानी है, कोई इसने बताया कि कौन सी वेबसाइट पर जाके विश लिस्ट बनानी है। तलहा अहमद मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा, इरम फातिमा, इरम फातिमा कैसी हैं आप, क्या स्टेटस है, कोई क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन हुई हो आपकी, कोई आप बिडिंग की हो, क्लाइंट ने रिस्पॉन्स किया हो आपको।
तलहा आप लाइव आ जाए, आप लाइव आके मुझे बता सकते हैं, मुझे वो क्लाइंट के जो मैसेज है वो पढ़ा दें अगर पॉसिबल है आपके लिए तो। आप लाइव आके मुझे क्लाइंट के मैसेज पढ़ा दें ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि क्लाइंट क्या डिमांड करता है। अच्छा, आपने ऑलमोस्ट 20 बिट्स किए हैं तो कितने का कोई रिस्पॉन्स आया है? एक भी रिस्पॉन्स आया हो? पीडीएफ विश सुनानी है, उससे पूछे कि क्या किस तरह की विश लिस्ट चाहिए उसको। एक तो विश लिस्ट बन जाती है किसी भी वेबसाइट पे जाएं आप, वहां जाके एक विश लिस्ट बना लेते हैं। दूसरा होता है कि वो प्रोडक्ट्स कलेक्ट करनी है, ठीक है, वो अली एक्सप्रेस से कर सकते हैं, अमेजोन से कर सकते हैं, किसी और वेबसाइट से जाके आप उनके यानी के नेम वगैरह, उनके लिंक्स वगैरह आप कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं। वो ड्रॉप शिपिंग का प्रोजेक्ट है, वो उससे थोड़ा सा पूछें ताकि आपको आइडिया हो कि करना क्या है। और तलहा में तो मुझे बताइए, क्लाइंट ने प्रोजेक्ट अवार्ड कर दिया है, सिर्फ उसने अभी कम्युनिकेशन कर रहा है, वो उससे पूछ रहा है। अच्छा इरम, फातिमा, इमरान, आप काइंडली लाइव हैं, ठीक है, मैं आपकी गिग्स देखता हूँ, बिट्स देखता हूँ किस तरह आपने बिडिंग किया हुआ है, ठीक है, आप लाइव आ जाए, मैं आपकी बिडिंग देखता हूँ कि आपने किस तरह बिड किया हुआ है। आप अवेलेबल हैं अभी लाइव के लिए कि नहीं? आपकी जो अभी कम्युनिकेशन हो रही है, आप क्लाइंट से पूछें कि वो क्या बेसिकली वो क्या चाह रहा है, ठीक है, वो प्रोडक्ट चाह रहा है, विशलिस्ट किस तरह की विशलिस्ट चाह रहा है, उससे थोड़ा सा क्वेश्चन करके उससे पूछें ताकि आपको अंदाजा हो सके कि वो काम क्या चाह रहा है। ऐसा ना हो कि आप मेहनत करें और मेहनत आप करते जाए तो उसका कोई फायदा ना हो। आप मेहनत कर लें, आप प्रोडक्ट सर्च करें, आप हर चीज करें, लेकिन उसका फायदा ना हो, तो बेहतर ये है कि आप क्लाइंट से पूछ लें एक दफा कि विशलिस्ट वो क्या चाह रहा है, मैं कहाँ से लूँ, अमेजोन से लूँ, अली एक्सप्रेस से लूँ, कहाँ से विशलिस्ट लूँ। अगर वो खुद बताएगा तो वो जो कन्फ्यूजन होगी वो दूर हो जाएगी मेरे अंदाजे के मुताबिक। मैंने लिंक शेयर कर दी, यहाँ से जो आप में से लाइव आना चाहते हैं काइंडली आप आ जाए लाइव। अच्छा जी, दूसरी जो बात थी, आज हमने freelancer.com पे जाना था,
लॉगिन करते हैं। आप में से सबने प्रोफाइल बना ली हुई है यहाँ पर। ओके जी, मैं यहाँ पर जाता हूँ, लॉगिन करता हूँ मैं यहाँ पर। लेट मी चेक, ये यूजर ने पासवर्ड है, इसमें लॉगिन कर रहा हूँ। ये डैशबोर्ड में मैं लॉगिन कर लिए। ओके जी, ये हमारा फ्रीलांसर का जो डैशबोर्ड है, अगर मेन बोर्ड की मैं बात करूं, ठीक है, ये है। मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आप देखें, कुछ मिनट में, कुछ सेकंड के ऊपर यहाँ पर ना पॉपअप शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ये देखें, जैसे ये पॉपअप आया है लेफ्ट साइड पे, डाउन पे, लेफ्ट साइड डाउन पे पॉपअप आया, डिजिटल इन्वेंट्री यूजेज फॉर्म्स, ठीक है। सीएसएस ग्राफिक डिजाइन में इस पर क्लिक करूंगा तो ये मुझे उस जॉब के ऊपर ले जाएगा। मैं इस पर क्लिक करूंगा, मुझे इस जॉब के ऊपर ले जाएगा, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर जो मैं ब्रोज में देखूँ, पर अगर मैं टॉप के ऊपर बात करूँ, यहाँ पर प्रोजेक्ट आ रहा है, कॉन्टेस्ट आ रहा है, फ्रीलांसर आ रहा है। मैं तीन तरह से चीजों को सर्च कर सकता हूँ। मैं प्रोजेक्ट को सर्च कर सकता हूँ, मैं कॉन्टेस्ट को सर्च कर सकता हूँ, फ्रीलांसर को सर्च कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद आता है शो केस, गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम द वर्ड्स बेस्ट, ठीक है। रिक्रूटर फाइंड द प्रेफरेंस फ्रीलांसर फॉर योर प्रोजेक्ट, ठीक है। कॉन्टेस्ट है, कम्युनिटी है, लोकल जॉब्स हैं, मेंबरशिप है, बुक मार्क्स है, एंटरप्राइज है, इनसाइट्स है, कस्टमर सपोर्ट है, प्रेफरेंट फ्रीलांसर है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, एग्जाम्स है, फ्रीलांसर वेरीफाइड है, ठीक है। प्रोजेक्ट के ऊपर मैं जाके सर्च कर सकता हूँ, प्रोजेक्ट मुझे कौन से चाहिए। मैं प्रोजेक्ट पे क्लिक किया है, ये देखिए जो प्रोजेक्ट मैंने ओपन किया था ये आ गया मेरे पास, ठीक है। ये लोड हो रहा है, यहाँ पर जो प्रोजेक्ट मैं सर्च कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास सारे यहाँ पर प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे। प्रोजेक्ट से मेरी मुराद यहाँ पर जॉब्स हैं, ठीक है। ये सारी जॉब्स यहाँ पर शो हो रही हैं, ठीक है। यहाँ पर जो मैं कीवर्ड ऐड करूंगा टॉप सर्च के ऊपर, जो मैं कीवर्ड ऐड करूंगा उसके अगेंस्ट मुझे जॉब शो हो रही होगी। यहाँ पर प्रोजेक्ट्स होते हैं और कॉन्टेस्ट होते हैं, दो तरह की जॉब्स होती हैं, प्रोजेक्ट होते हैं और कॉन्टेस्ट होते हैं। लेट मी चेक, आप सबको वालेकुम सलाम। ओके, मैं आपको अपडेट करता हूँ। श्योर, आप अपडेट करें मुझे। अस्सलाम वालेकुम सर, आर टी मनान कैसी हैं आप? आई बिलीव ये आर टी मनानी है। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं आप? ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर दूँ। प्रोजेक्ट होते हैं, कॉन्टेस्ट होते हैं। कॉन्टेस्ट होते हैं कि कोई कंपटीशन होता है, ठीक है। कंपटीशन में हर बंदा जाके पार्टिसिपेट करता है। आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आप में से अगर 10 बंदों ने 20 बंदों ने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है, उन्होंने अपना इनपुट दिया है, उनमें से एक बंदा विन करता है, उसको पैसे मिलते हैं, बाकी सबको पैसे नहीं मिलते। जैसे कोई कंपटीशन होता है, इसी तरह कॉन्टेस्ट होता है, यहाँ पर अप्लाई होता है, यानी कि यहाँ पर लोग करवा रहे होते हैं कंपटीशन freelancer.com के ऊपर। ये बेस्ट होता है किसके लिए बेस्ट होता है? अगर मैं बात करूँ तो ये बेस्ट होता है इनके लिए, जो होते हैं डिजाइनर होते हैं, उनके लिए बड़ी जबरदस्त चीज होती है। यहाँ पर एक कॉन्टेस्ट हो रहा है, नो जस्ट कम्प्लीटेड, ठीक है, 50 49 एंट्रीज हैं।
ये जो कॉन्टेस्ट हो रहा है किसके लिए हो रहा है, वो टेक्स्ट, ये कॉन्टेस्ट हो रहा है किसके लिए, क्या कहें, बिल्ड अ वेबसाइट के लिए। ज्यादा जो कॉन्टेस्ट लोग प्रेफर कर रहे होते हैं वो डिजाइनिंग के लिए कर रहे हैं, लोगों के लिए कर रहे होते हैं, पॉम्फलेट के लिए कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके साथ वापिस अगर मैं प्रोजेक्ट के ऊपर आऊँ, ठीक है, यहाँ पर प्रोजेक्ट सारे शो हो रहे होते हैं। अब प्रोजेक्ट भी दो तरह से होते हैं, एक होते हैं फिक्स प्रोजेक्ट, एक होते हैं अवरली प्रोजेक्ट। एक होते हैं फिक्स, यानी कि फिक्स अमाउंट होते हैं कि इतने में आपकी डील हो जाती है क्लाइंट के साथ कि इतने में आप काम करेंगे उसके बाद, ठीक है। दूसरा होता है कि अवरली प्रोजेक्ट होता है कि कितने घंटे में काम करेंगे। ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक शॉपिफाई लिखा हुआ है, अर्जेंट रिक्वायरमेंट फॉर शॉपिफाई, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अर्जेंट रिक्वायरमेंट फॉर शॉपिफाई ऑफ शॉपिफाई एक्सपर्ट। अब मैं इस के पर आया हूँ, अर्जेंट रिक्वायरमेंट अर्जेंट रिक्वायरमेंट ऑफ शॉपिफाई एक्सपर्ट, ठीक है। ये इसका प्रोजेक्ट जो अवार्ड, ये प्रोजेक्ट जो उसने पोस्ट किया हुआ था उस पर मैं आता हूँ। मैं अगर स्क्रॉल डाउन करूँ, ठीक है, इसको मुझे सारा यहाँ पर टाइप करना है, मैं यहाँ प्रपोजल में जाऊं, प्रपोजल में यहाँ लोगों ने बिट किया हुआ काफी ज्यादा लोगों ने, मैं उनका प्रपोजल भी देख सकता हूँ, मैं उनका प्रपोजल भी देख सकता हूँ कि उसने किस तरह बिट किया हुआ है, ठीक है। ये सारा उन्होंने बिट किया हुआ है। यहाँ पर आपको इंडियन और बांग्लादेशी बहुत मिलेंगे, पाकिस्तानी भी बिट किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये बजट इसका 350, 3 to 250 AUD है, डॉलर नहीं है, AUD है। तीन बिट हो गई है, एवरेज बिट है ये 227 की, AUD टू USD। अच्छा, ठीक है, ये बन रहा है ऑलमोस्ट, कितना बन रहा है जी, $180 बन रहा है, ओके। अच्छा जी, यहाँ पर प्रोजेक्ट डिटेल आ रही है, ये दो मेरे पास ओपन है इस टाइम पे, मेरे पास ये दो ओपन है। एक ये है कि डू अर्जेंट रिक्वायरमेंट ऑफ शॉपिफाई एक्सपर्ट पहला हो गया, दूसरा ये डिजिटल इन्वेंट्री यूजर्स फॉर्म। इसके साथ यहाँ पर अबाउट द एम्प्लॉयर की डिटेल आ रही है, ठीक है, यहाँ पर भी अबाउट द एम्प्लॉयर डिटेल आ रही है। ये दोनों ऑस्ट्रेलिया के, ये भी ऑस्ट्रेलिया के, ये भी ऑस्ट्रेलिया के। इसने एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया हुआ है, इसने कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया हुआ। इसका जीरो एक रिव्यू है, इसका जीरो रिव्यू है। ये जो मेंबर है अगस्त 20 2019 का, ठीक है, ये मेंबर है सितंबर 2020 का, ठीक है। एम्प्लॉयड वेरीफाइड, ठीक है, आइडेंटिटी वेरीफाइड नहीं है। आइडेंटिटी वेरीफाइड का मतलब होता है कि उसने अपना कोई आईडी कार्ड नंबर वगैरह आइडेंटिफाई किया हुआ है खुद को। इसकी भी आइडेंटिटी वेरीफाइड नहीं है। इसका पेमेंट मेथड वेरीफाई है, इसका डिपॉजिट मेड है, इसने पैसे एंटर किए हुए हैं, ईमेल एड्रेस वेरीफाइड है, ठीक है, फोन नंबर और कंप्लीट नहीं है। आपने किसी भी ऐसे क्लाइंट के साथ काम नहीं करना जिसका पेमेंट मेथड वेरीफाइड नहीं हो। ये पेमेंट मेथड वेरीफाई होगा तो आप काम करेंगे, अदरवाइज आप उस क्लाइंट के साथ काम नहीं करेंगे। ये आपने याद रखना है, बिट करने से पहले आपने देखना है कि किस कंट्री का बंदा है और इसका पेमेंट मेथड वेरीफाई है कि नहीं है, किस कंट्री का बंदा है और इसका पेमेंट मेथड वेरीफाई है कि नहीं है, उससे आगे आपने बिट करना है। ये देखें, इसका ना पेमेंट मेथड वेरीफाई है ना डिपॉजिट है, ठीक है। कंट्री इसकी ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के बंदे के साथ आप काम कर सकते हैं, लेकिन पेमेंट मेथड वेरीफाई नहीं है, तो इधर हम बिट नहीं करेंगे। यहाँ पर हम आते हैं, अब ये कहते हैं दिस इज अर्जेंट रिक्वायरमेंट ऑफ शॉपिफाई एक्सपर्ट, प्लीज ओनली एक्सेप्ट इफ यू इफ हैव इमीडिएट अवेलेबिलिटी फॉर द वर्क लुकिंग शॉपिफाई डेवलपर फॉर असिस्टिंग इन एनेबलिंग स्टोर पिकअप फंक्शनैलिटी फॉर वेंडर यूजिंग मल्टी वेंडर मार्केट प्लेस ऐप, ठीक है। आई हैव शॉपिफाई पोर्टल विच इज हैविंग मल्टी वेंडर फॉर प्रोवाइडिंग मी प्रोडक्ट फॉर साइट, ठीक है। These vendors are having multiple pickup location in country. ठीक है, I want to provide the store pickup option to customer from vendor or location. ठीक है, I have installed multi vendor marketplace app but need some expert help for showing pickup option on product and cart page. ठीक है, pickup option show करवानी है और option on product, ठीक है। अच्छा जी, काम इसमें ये है जी, वो कह रहे एक्सपर्ट चाहिए, उसने शो क्या करवाना है, ये उसका काम है बेसिकली। कहता है आई हैव शॉपिफाई पोर्टल व्हिच इज हैविंग मल्टी वेंडर, ठीक है, दिस वेंडर आर हैविंग मल्टीपल पिकअप लोकेशन इन कंट्री, ठीक है, आई वांट
to provide the store pickup option ठीक है to customer from vendor location ठीक है कि मैं कस्टमर को बताना चाहता हूँ कि वेंडर जो कस्टमर है वो वेंडर की लोकेशन से जाके प्रोडक्ट पिक कर सकते हैं. आई हैव इंस्टॉल्ड मल्टी वेंडर, वो कहते हैं ऐप मैंने इंस्टॉल कर दिया, बट नीड सम एक्सपर्ट हेल्प फॉर शोइंग पिकअप ऑप्शन टू प्रोडक्ट एंड कार्ट पेज. ठीक है, प्रोडक्ट के पेज के ऊपर और कार्ट के पेज के ऊपर वो ऑप्शन शो करवानी है, प्रोडक्ट के पेज के ऊपर और कार्ट के पेज के ऊपर वो ऑप्शन शो करवानी है ताकि क्लाइंट जो है उसे पता हो कि यहाँ से चीज पिक करनी है. ठीक है, मैं यहां पर बिट कर सकता हूं. बिट अमाउंट ये है ठीक है, द प्रोजेक्ट विल बी डिलीवर ये आ जाएगा. इसके नीचे अगर आप ये देखें पे टू यू आपको कितना मिलेगा, उसकी फीस कितनी होगी, फ्रीलांसर की फीस कितनी होगी. ठीक है, यहां पर मैं कहता हूं मैं 220 बिट करूंगा, 220 में बिट करूंगा. यहां पर मैं डेज बताऊंगा कितने दिनों में मैं काम करूंगा, मैक्सिमम 2 डेज. प्रोजेक्ट माइलस्टोन भी है. हेलो, आई एम रेडी टू कंप्लीट योर जॉब फॉर शोइंग द मल्टी MULTI multi vendor V and V or multi vendor pick up location on product and add to product and cart pages ने बोला हुआ cart pages. I will start your job immediately. And complete within max a day. I have understand your job and I have already this kind of experience. I am Shopify expert having 5+ years of experience. Please open pack parts. ये मैंने बिट कर दी है. इस प्रोफाइल को तकरीबन मैंने पता नहीं सालों साल बाद ओपन किया. ठीक है, ये बस दिखाने के लिए, जैसे मैंने बताया था कि मैं प्रोफाइल बनाई हुई है जो दिखाता रहता हूँ. ये फ्रीलांसर है, मैं फ्रीलांसर पे वैसे भी काम नहीं करता, इसके लिए मैंने प्रपोजल लिखे. ठीक है, मैंने एक छोटा सा प्रपोजल लिख दिया क्लाइंट का रिक्वायरमेंट पढ़ के. मैंने प्रपोजल इसे क्यों सेंड किया है, क्योंकि इसका पेमेंट मेथड वेरीफाई है. दूसरा, मैंने आपको एज एग्जांपल बतानी थी कि यहाँ पर प्रपोजल कैसे सेंड करते हैं. ये फिक्स प्रोजेक्ट है. ठीक है, ये फिक्स प्रोजेक्ट बता रहा है. ठीक है, बिट्स है, इसने मुझे बता दिया है यहाँ पर पे टू यू मुझे $220 मुझे मिलेंगे, $20 मुझे मिलेंगे ऑस्ट्रेलियन $20. ठीक है, $22 किसके कट होंगे, फीस होगी $198 होंगे. ठीक है, इनके इसमें से 220 में से जो फीस कटेगी वो कितनी होगी, 10% फ्रीलांसर फीस होगी, बाकी जो मुझे मिलेगा 198 मुझे डॉलर मिलेंगे. ठीक है, इसके साथ ये नीचे ऑप्शन आ जाती है, ऑप्शनल है. ठीक है, अपग्रेड अगर आपने अपग्रेड करना है वो स्पॉन्सर करता है. स्पॉन्सर का मतलब होता है कि वो ज्यादा ऊपर दिखा रहा होता है आपकी बिट को. ठीक है, $4.99 होगा. उसके बाद सील है कि कोई आपका यूजिंग द सेलेक्ट एंट्री हाइड योर बिट. अगर आप ये चूज करेंगे तो दूसरों से आपकी बिट हाइड हो जाएगी, कोई आपकी देख नहीं सकेगा. उसके बाद अगर आप नेक्स्ट जो ऑप्शन है हाईलाइट, मेक योर बिट हाईलाइट इन येलो फॉर ग्रेटर विजिबिलिटी टू द एम्प्लॉई एंड हाईर चांस ऑफ बीइंग अवार्ड. ठीक है, उसका $1 है. हमने इसमें से कोई भी ऑप्शन चूज नहीं करनी, हमने ऐसी ऑप्शन चूज नहीं करनी जो हमें पे करना पड़े. ठीक है, मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट ये माइलस्टोन होते हैं. ठीक है, प्रोजेक्ट माइलस्टोन से मुराद है कि आपके प्रोजेक्ट को किस तरह डिवाइड करते हैं. मैं कहता हूँ मैं इसको डिवाइड करता हूँ 17 में, उसके 150 में. ठीक है, showing name कहाँ पर मैंने शो करवाना है जी,
to the product page. ठीक है, मैंने बता दिया कि मैं 70 तब लूंगा जब मुझे आप जब मैं शो करवाऊंगा कौन से पेज के ऊपर, प्रोडक्ट के पेज के ऊपर, उसके बाद बाकी जो होंगे जब कंप्लीट जॉब होगा। ठीक है, मैं प्लेस बिट करने लगा हूँ, दिस इज ऑल के यहाँ पर बिट कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पर इस तरह हमें सिंपल वे में मैंने जाके बिट कर दिया, ये मेरा बिट हो गया। बाकी पता नहीं कितने लोग बिट कर ही जा रहे हैं, अगर मैंने उनके प्रपोजल पढ़ने हैं, मैं सिंपल इसको गो थ्रू करता हूँ, मैं उसके प्रपोजल पढ़ लेता हूँ। इसने मुझे इसने प्रपोजल क्या लिखा हुआ है, डियर क्लाइंट आई एम फेमिलियर विद शॉपिफाई वेबसाइट डेवलपमेंट, आई हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू सेवरल कंपनीज इन द यूएसए बाय डेवलपिंग एंड मेंटेन देयर वेबसाइट इंजेक्शंस विद सम मार्केटिंग स्ट्रेटजीज ऑनलाइन एंड आई हैव ग्रेट कंडीशन ऑफ I have great coordination two of Shopify theme, liquid and e-commerce development with a focus on maintainable and clear code base. Okay, you can take a look of at some of my Shopify jobs. Okay, ये इसकी Shopify की कुछ Hotmail अगर open हो जाए तो इसने बोल दिया भाई, मैं अगर इसको देखो सो आई कैन डिजाइन एंड बिल्ड अ प्रोफेशनल स्टोर। अब ये आप देखें डिफरेंट जो फ्रीलांसर है उन्होंने बिल्ड कैसे की है, उसी तरह आप भी अपनी अच्छी बिल्ड बना सकते हैं। जैसे ये इसने कहा कि आई एम ई-कॉमर्स एक्सपर्ट, ठीक है, हैविंग मोर देन 11 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन ई-कॉमर्स विद लारावेल वूकॉमर्स शॉपिफाई एंड कस्टम ई-कॉमर्स सिस्टम। अब इसका ये देखिए यहां पर जो बिल्ड का इशू आ रहा है, जो इसने प्रॉब्लम किया हुआ है 4.9 इसके लिए, ठीक है, इसने यहाँ पर लिखा हुआ है लारावेल वूकॉमर्स शॉपिफाई एंड, ठीक है, लारावेल वूकॉमर्स की यहाँ पर जरूरत नहीं है। ठीक है, कस्टम ई-कॉमर्स सिस्टम ये आ रहा है, ऑर्डर मैनेजमेंट ट्रैकिंग सिस्टम की भी नहीं जरूरत है। ठीक है, फुली लोडेड विद एडवांस फीचर ऑफ ई-कॉमर्स, आई हैव डन बेस हाई एंड एंड कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट ऑफ ई-कॉमर्स विद वूकॉमर्स थीम एंड कस्टम थीम। ये जो बिट मोस्ट प्रोबेबली लग रही है शॉपिफाई के लिए, नहीं वूकॉमर्स के लिए लग रही है, वूकॉमर्स के लिए किया उसने बिट। अच्छा, यहाँ पर है, हेलो देयर, माय नेम इज फारा, आई एम इंटरेस्टिंग इन दिस प्रोजेक्ट, आई विल प्रोवाइड यू सेटिस्फैक्टरी सर्विसेज विद अनलिमिटेड वीएन, प्लीज कम ओवर चैट टू डिस्कस द प्रोजेक्ट डिटेल, हैव अ लुक एट माय प्रीवियस वर्क। ठीक है, इसने अपना प्रीवियस वर्क बता दिया, इसने शॉपिफाई स्टोर का भी बता दिया, वर्डप्रेस का भी बता दिया है, पीएचपी की वेबसाइट भी बनाई है, ई कॉमर्स की वेबसाइट बताई है। ठीक है, आई रियली वॉन्ट टू वर्क विद यू ऑन योर प्रोजेक्ट, प्लीज कम ओवर टू चैट सो वी कैन डिस्कस इन डिटेल। ठीक है, इसने भी ये लिखा था प्लीज विजिट द, यहाँ पर एक और मैंने पढ़ा था वो भी चैट के बारे में यही बात हो रही थी। अब यहाँ पर वो कह रहा है मुझे शॉपिफाई का बंदा चाहिए, वो कह रही है वर्डप्रेस एक्सपर्ट है, ठीक है, आई हैव बीन वर्किंग ऑन वर्डप्रेस, ठीक है, फॉर द लास्ट 7 इयर्स एंड आल्सो डेवलप्ड 200 प्लस वर्डप्रेस प्रोजेक्ट सक्सेसफुली, हेलो देयर। ये एक उसने कॉल टू एक्शन किया कि पहले माइंड में बताने के लिए कि मैं एक्सपर्ट हूँ, लेकिन उसे किसका एक्सपर्ट चाहिए, शॉपिफाई एक्सपर्ट चाहिए। आई एम जस्ट गाइडिंग यू कि कैसे आपने दूसरों की बिडिंग पढ़ने के बाद अपनी बिड अप्रूव करनी है, अपनी बिडिंग को बेहतर करना है। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। ठीक है सर, फ्रीलांसर की प्रोफाइल में एड्रेस हम अपना ही लिखेंगे या रैंडम, नहीं अपना ही एड्रेस आपने लिखना है, जो आपका एड्रेस है अपना। कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो काइंडली आप कर सकते हैं, मैं उतनी इन बिटवीन वहां पर मैंने लाइव के लिए भी आपको ये देखें, लाइव के लिए मैंने लिंक भेजा हुआ है, आप में से जो लाइव आना चाहता है काइंडली आप लाइव आ जाएं, बाकी मैं आपको वो गाइड कर रहा हूँ, आपको कोई क्वेश्चन क्यूरी होगा तो आप मुझे बताएंगे। ये डायरेक्ट में प्रोजेक्ट के ऊपर लैंड हुआ था, अब यहाँ पर फिक्स्ड प्रोजेक्ट के ऊपर मैंने क्लिक किया हुआ है। ठीक है, इसलिए मुझे फिक्स्ड प्रोजेक्ट हो रहे हैं, मैं अब कहता हूँ ओनली प्रोजेक्ट, मैं फिक्स को खत्म करता हूँ, मैं ओनली प्रोजेक्ट पे चला जाता हूँ। अच्छा जी, अब ओनली प्रोजेक्ट में ये मुझे ओनली बेस्ड प्रोजेक्ट आ रहे हैं। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे, मैं दोबारा ये करता हूँ, नीड पीएचपी एक्सपर्ट, ये मुझे ओनली बेस्ड प्रोजेक्ट शो हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखें ये मजिंटा कलर कहते हैं, कौन सा कलर है इसका, ना ये रिक्रूटर लिखा हुआ आ रहा है, नीचे रिक्रूटर लिखा हुआ आ रहा है, ये शील्ड आ रहा है, रिक्रूटर लिखा आ रहा है, रिक्रूटर का मतलब है इसमें ना एक थर्ड पार्टी होती है इन्वॉल्व, एक फ्रीलांसर होता है, यानी कि फ्रीलांसर की एक क्लाइंट है, एक मैं हूँ, एक तीसरा फ्रीलांसर होगा। ठीक है, जो टेक केयर करेगा कि मैं उसका काम ठीक कर रहा हूँ।
जो टेक केयर करेगा मैं उसका काम ठीक कर रहा हूँ, ठीक है, तो उससे आपको प्रोजेक्ट अवार्ड होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन आपके ऊपर चेक एंड बैलेंस बहुत रखा जाता है, आपके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखा जाता है कि आप काम ठीक कर रहे हो, आप क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन में कोई खराबी तो नहीं कर रहे, आप मसला तो नहीं कर रहे। सो ये टेक केयर करनी पड़ती है जब आप ये प्रोजेक्ट कर रहे हो। लेकिन रिक्रूटर प्रोजेक्ट का मजा होता है, इसके ऊपर आपको टैक्स भी ज्यादा पे करना पड़ता है, लेकिन प्रोजेक्ट आपको बड़े मिल जाते हैं इसके वाले से। नॉन प्रॉफिट साइकोलॉजी मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशन, फॉर नॉन प्रॉफिट साइकोलॉजी मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशन जॉब डिस्क्रिप्शन मस्ट बी यूएस सिटीजन, ठीक है, ये हमारे काम की जॉब नहीं है, ठीक है। शॉपिफाई प्लगइन एडिट, ठीक है, शॉपिफाई की प्लगइन चाहिए इनको। उसके बाद अगर मैं आगे जाऊँ, ठीक है, HTML CSS डिजाइनर फॉर वर्डप्रेस साइट, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। बिल्ड अ वेबसाइट, ये क्या कह रहा है, अर्जेंट है, गारंटी, ठीक है, यहाँ गारंटी जा रहा है, इसका मतलब है पेमेंट की गारंटी है। अर्जेंट का मतलब है कि अभी स्टार्ट करना है, ठीक है। वी आर टेक्स प्लानिंग फर्म, ठीक है, वुड लाइक टू क्रिएट अ वेबसाइट, वी हैव द सेम सैंपल, वी कैन प्रोवाइड सी एज एग्जांपल, ठीक है, वी कैन डिस्कस मोर, वी आल्सो नीड अ लोगो डिजाइन, टाइम सेंसिटिव, ओके जी, पोस्ट अ कॉन्टेस्ट लाइक दिस, ठीक है, ये कॉन्टेस्ट है, हाँ ये कॉन्टेस्ट है, एंट्री जहाँ पर मैं बना के एंट्रीज करवा सकता हूँ, कि तो मैं यहाँ पर नहीं करूंगा क्योंकि ये कॉन्टेस्ट है, तो कॉन्टेस्ट में मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। अच्छा जी, दूसरा जो प्रोजेक्ट आया है इसके पर हमने बिड कर दिया हुआ है, अगर मैं प्रपोजल में जाऊंगा तो यहाँ पर मुझे मेरी बिड शो हो रही होगी, अगर मैंने बिड कर दिया हुआ है, ठीक है, ये मुझे शो हो रही है, इसको मैं क्लोज करता हूँ, इसको भी मैं क्लोज करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है। हाय, आई नीड सम मोबाइल रिस्पॉन्सिव टास्क डन फॉर माई वर्डप्रेस साइट, थैंक यू। पाकिस्तानी बंदा है, 93 प्रोजेक्ट कम्प्लीटेड है, दैट्स वेरी नाइस, ठीक है, 96 रिव्यूज है अबाउट द एम्प्लॉय, अच्छी इंफॉर्मेशन सारी, उसकी डिटेल अच्छी है जी। इट्स अ टाइम टू डिसाइड, वी हैव टू वर्क विद पाकिस्तानी क्लाइंट और नॉट, नहीं भाई मैं इस पर बिड नहीं करूंगा, अगर करना चाहे तो आप कर सकते हैं, ये ओनली वेट बिट है, यहाँ पर मैं ओनली रेट ऐड करूंगा, यहाँ पर वीकली लिमिट के, मैं वीकली में कितने और आपको दे सकता हूँ, मैंने कि मैं वीकली कितने घंटे आपके साथ काम कर सकता हूँ, ठीक है, तो वो उस तरह उसको मेंशन यहाँ पर आप करेंगे तो उसके बाद आपका आगे फर्दर कंटिन्यू हो जाएगा। मैं इसके ऊपर बिड नहीं करूंगा, वैसे ही बिड नहीं करूंगा, ठीक है, कोई और पर देख लेते हैं हम जॉब। उसके साथ हम अगर यहाँ पर आए, यहाँ पर मैं वर्ड प्रेस सर्च करता हूँ, कहता हूँ वर्ड प्रेस, मैंने वर्ड प्रेस यहाँ पर सर्च किया, अब मुझे वर्ड प्रेस से रेलिवेंट कितना रिजल्ट आया, 108 आया, यहाँ पर जितने भी आए हैं यहाँ पर मुझे वर्ड प्रेस की जॉब शो हो रही है, वर्डप्रेस की मुझे यहाँ पर जॉब शो हो रही है। आई प्रेफर कि आप स्टार्टिंग में ओरली बेस के पर रेट कर, ओरली बेस पे बिट करें, ताकि आपको जो प्रोजेक्ट मिले वो अच्छा एक प्रोजेक्ट मिल जाए। ये कह रहा है नीड पीएचपी एक्सपर्ट, लेट मी क्लिक हियर, लेट मी चेक, ही इज फ्रॉम इंडिया, अच्छा जी, वेबसाइट डाउन हो गई थी, मैंने नीट इसके पर क्लिक किया था तो यहाँ से इंडिया बंदा इंडियन आ गया, तो मैं इसको दोबारा नहीं ओपन करूंगा। $2 से $8 देगा ये भी बख्श नहीं बंदा, ये भी पुरानी बीट ओपन हो गई है मेरे से। लर्न एक्सपर्ट, ये इसके पर मैं क्लिक करता हूँ, ये कह रहे लर्न डैश एक्सपर्ट, ठीक है, एंड बडी प्रेस का एक प्लगइन है, ठीक है, बडी प्रेस एंड कॉन्फ़िगरेशन विद वर्डप्रेस, ओके जी कोई बात नहीं है, यूनाइटेड स्टेट के, लेकिन इसके पर बिड ना करने का मकसद मेरा क्या है जी, क्या रीजन है नहीं बिड करना मैंने इस पे, एक ही रीजन है कि इसका पेमेंट मेथड वेरीफाई नहीं, इसकी प्रोफाइल कंप्लीटेड नहीं है, फोन नंबर वेरीफाई नहीं है। सो अगर ऐसी कोई भी बात हो, वो किसी भी कंट्री का पर्सन हो, तो हम उस पर बिड नहीं करेंगे, इसका मतलब होता है कि हम अपनी बिड जाया कर रहे हैं। SEO on page for my website, WordPress website. Let me open this. ये दो मैंने ओपन किए,
SEO on page की बात कर रहा है, ठीक है। Hello, I need a good SEO on page of my website. I don't need a SEO with the monthly cost plan, but only one time SEO on page optimization. ये भी इंडिया का लग रहा है, ऑस्ट्रेलिया लिखा हुआ है। हाँ, ऑस्ट्रेलियन ये आता है, ठीक है, यूरो आता है, ऑस्ट्रेलियन है। मैं अगर इसके ऊपर ऑन पेज एसईओ का मुझे अगर काम आता है तो मैं इसके ऊपर बिट करूंगा, अदरवाइज मैं बिट नहीं करूंगा, ठीक है जी। ये एक दूसरी काम है, पीएचपी डेवलपर रिक्वायर्ड वर्डप्रेस वूकॉमर्स फ्लैश फ्लैट स्टॉर्म फ्लैट सम, ठीक है। ये कुछ होगा, मुझे इसका नहीं पता, इसको सर्च कर लेते हैं। फ्लैट सम क्या जी? फ्लैट सम मल्टीपर्पज रिस्पॉन्सिव थीम है जी, ये थीम है, इसका पता होना चाहिए। ओके जी, कोई बात नहीं है। प्रोफाइल अच्छी है इसकी, 15 रिव्यूज हैं, इसने 20 प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं, 4.9 इसके यानी कि रेटिंग चल रही है, इसका मतलब है ये सही बंदा है, इसके साथ काम किया जा सकता है। अब इसका पहले हम पढ़ेंगे जी क्या वो कहना चाह रहा है, ठीक है। वी आर लुकिंग फॉर एन इंडिविजुअल डेवलपर, ठीक है, टू वर्क 40 आवर्स अ वीक ऑन दिस प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन हैज सेवरल फेसेस एंड कुड बी 6 मंथ और मोर, ठीक है। We have a WordPress use, a site using WooCommerce with the Flashstone theme. ठीक है, this is not much work to be done in on this part. ठीक है, project phase one जी क्या है? Internet backend was starting using the Macronic theme. ठीक है, we need and these interfaces with WooCommerce. However, there was very little work completed by the previous programmer for the interact in Macronic. And maybe better to restart interact from zero. Okay, we are open to use another theme of framework for the interact with will help save time from venue validation. Okay, phase two mein kya kehta hai, user portal front end and extent will be consist of modification WooCommerce to meet our requirement and decision. Ye bada acha chance hai beat karne ke liye. Ye main aapke liye bhi yahan par post kar raha hu. चलिए, कहाँ पर पोस्ट किया जो मैंने पोस्ट किया अभी? अच्छा, मैंने अभी पोस्ट किया, ठीक है, ये आ गए। इट्स नॉट लुक गुड, कॉपी किया, मैं दोबारा पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब रीजनेबल होगा, आप पढ़ सकते हैं, इसको पढ़ के कोशिश करें बीट करने की। मैं कुछ स्टूडेंट्स को टैग कर रहा हूँ, बाकी आप खुद टैग करेंगे। पार्टी बना उस्मान, और कंटी मेहमान उमर उस्मान, स्टूडेंट को यहां पर टैग करूं, आप काइंडली दूसरे स्टूडेंट को यानी टैग हो जाए। काइंडली टैग स्टूडेंट, यहाँ पर आ जाते हैं। पहले मैं इधर से कुछ क्वेश्चन देख लेता हूँ, किसी का भी क्वेश्चन आया हो, ठीक है। सर, जो फ्रीलांसर पे कोर्स है उसका कोई फायदा है? फ्रीलांसर पे कोर्सेज कौन से कोर्सेज, यहाँ पर जो कोर्सेज अवार्ड किए होते हैं लर्निंग पर्पज के लिए फायदा है, आप अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी मजायका नहीं है।
वालेकुम सलाम निशान, कैसे हैं आप जी? जस्ट टू शेयर, फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म बहुत ओवरक्राउडेड है, यहाँ मेंबर्स का प्रोजेक्ट मिलने बहुत डिफिकल्ट है। विद इन 1 मिनट 15+ बिड हो जाती हैं, आपको मशीन की स्पीड से बिड करना पड़ता है यहाँ, ठीक है। इट्स बेटर ऑफर किए ऑफर है जहाँ आपको एटलीस्ट हाफ एन आवर मिल जाता है कि आप ऑफर पर हर किसी को अप्रूव में अप्रूव नहीं करता, दैट्स ब्यूटी ऑफ ऑफर, ठीक है। निशान बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, 110% ठीक है कि यहाँ पर ओवर क्रोडिट है, बट स्टिल देर इज अ चांस टू गेट अ प्रोजेक्ट। ऐसा कोई ना कोई 0.001% भी होप है तो वी विल ट्राई टू गेट अ प्रोजेक्ट फ्रॉम फ्रीलांसर। हमारा काम है, हमने कोशिश करनी है, बाकी वो ज़ात नवाजने वाली है, किसी को कहीं से भी नवाज देती है। और जो आप ऑफर की बात कर रहे हो वो नो डाउट इसी तरह स्टिल थोड़ा कॉस्टली है, कॉस्टली इस तरह कि हमें कॉन्टैक्ट कनेक्ट परचेज करने पड़ते हैं, तो हर स्टूडेंट जो होता है वो उस तरह अफोर्ड नहीं कर पाता। हाँ, अगर काम चल जाए तो लहरें मेरे होती है, कोई ऐसी बात नहीं होती। हम उसके पर भी आएंगे, अभी हमें इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। आज इसकी बात होगी तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम ऑफर की बात करेंगे। अच्छा जी, ये फेसिस है, फेसिस 1 फेसिस 2, ठीक है। इसके पर आप बिड कर सकते हैं, एक अच्छी बिड हो सकती है। वापिस चलता हूँ मैं, ये बिड का हो गया, ये ओरली प्रोजेक्ट हो गया, तो ये फिक्स प्रोजेक्ट हो गया, ठीक है। दोनों तरह के प्रोजेक्ट हो गए। इसके बाद यहाँ पर फीचर्ड है, लिस्टिंग टाइप फीचर जिसने किया होता है, यानी कि जो ऐड दिया होता है उसे आप कह रहे हैं फीचर, यहाँ पर कोई शो नहीं हो रहा। सील्ड होता है, ठीक है, जो सील्ड का क्लोज होता है प्रोजेक्ट, इस तरह ओपन डिटेल नहीं होती। इसके बाद NDA का एक होता है, NDA होता है नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, ठीक है। इसका मतलब होता है कि जो आप काम करेंगे वो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, आप किसी को बता नहीं सकते कि आपने ये जॉब परफॉर्म की हुई है। अर्जेंट वर्क होते हैं कि ये अर्जेंट चाहिए, इसी टाइम एज सून एज पॉसिबल स्टार्ट करना है, यहाँ पर अर्जेंट कुछ हो नहीं हो रहा। ये फुल टाइम है, यानी कि फुल टाइम आपको 40 आवर्स करना पड़ता है काम। इसके बाद रिक्रूटर है, रिक्रूटर का मैंने बताया कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है, रिक्रूटर आ जाता है, ठीक है। वो आपको हेल्प करता है, वो आप हेल्प क्लाइंट को भी हेल्प कर रहा था, गाइड कर रहा था कि आप इस बंदे को हायर करो, इस बंदे को ना हायर करो, तीस वे ये काम चल रहा होता है। लेकिन रिक्रूटर 5% ज्यादा लेते हैं, अगर आपने रिक्रूटर प्रोजेक्ट विन किया है तो वो आपसे 15% चार्ज करेगा, ये आपने याद रखना है, 15% चार्ज करता है। अगर स्पेसिफिक लोकेशन के आपको प्रोजेक्ट शो करवाना है, आप कहते हैं यहाँ पर मुझे USA का ही चाहिए बंदा, आप USA का इधर टाइप करें, यहाँ पर जो प्रोजेक्ट आपको शो होंगे वो US के शो होंगे, यहाँ पर कोई भी US का नहीं हो रहा, मैं कहता हूँ ऑस्ट्रेलिया का कर लें जी। ठीक है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का भी शो नहीं हो रहा। ओके, जैसे जिशान ने चेक, अच्छा जैसे जिशान ने भी बताया फ्रीलांसर के ऊपर, मैंने अभी जो आपको गाइड किया है, मैंने आपको जो साइट का फिल्टर है वो शो करवाया है, वो मैंने सारा आपको बताया। मैं स्क्रीन, ठीक है, अभी तो मैंने आपको गाइड किया जितना भी, ठीक है, वो सारा मैंने आपको ये साइड बार गाइड किया है। ये साइड बार पे क्या ये फिल्टर आ रहा है, ठीक है, फिल्टर के अंदर आपको लोकेशन भी आ जाती है, आपका यहाँ से लिस्टिंग टाइप है, फीचर है, यानी कि किसने फीचर किया हो, सील्ड है, जो हमने बताया कि सील्ड का होता है कि कोई ओपन उस तरह नहीं देख सकता, इन्फॉर्मेशन उस तरह शो नहीं होती। NDA साइन है, NDA नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट है, अर्जेंट है कि जो जिसको अर्जेंट जॉब चाहिए वो जा रहा है, क्विक स्टार्ट हो जाए उसके लिए अगर फिल्टर लगाएंगे। फुल टाइम है, फुल टाइम का मतलब है कि ओनली 40 आवर्स आपने करने होते हैं, वीकली 40 आवर्स करने होते हैं, 8 आवर्स अ डे। उसके बाद रिक्रूटर आता है, रिक्रूटर का मैंने बताया कि थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी थर्ड फ्रीलांसर होता है जो आपको हेल्प करता है प्रोजेक्ट विन करने में, लेकिन वो अपनी 5% फीस भी चार्ज कर रहा होता है फॉर दैट पर्पस, ठीक है। ये सारी ऑप्शन यहाँ पर होगी। इसके बाद आगे मैं जाऊँ, ये फिक्स प्राइस है, फिक्स प्राइस के ऊपर आप फिल्टर लगा सकते हैं कि आपको कितने तक प्रोजेक्ट चाहिए, फिक्स प्राइस कहाँ से लेके कहाँ तक होगी।
ओरली प्राइस है, ओरली आपने कितना चार्ज करना है, ठीक है, ये ओरली रेट आ जाता है। उसके बाद लोकेशन है, स्पेसिफिक लोकेशन आप ऐड करते हैं, आपको यूएस का बॉर्डर चाहिए, ऑस्ट्रेलिया का चाहिए, कनाडा का चाहिए, कहाँ का चाहिए, आप यहाँ पर लोकेशन ऐड करते हैं। इसके साथ आप लैंग्वेज ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है, लैंग्वेज भी यहाँ से आप ऐड कर देते हैं। सारी ऑप्शन यहाँ पर आपको अवेलेबल है। ओके हो गया, वापिस आता हूँ मैं। यहाँ पर आपको मैसेज शो होते हैं, क्लाइंट के जो मैसेज आते हैं, इसमें एक सिनेरियो होता है कि अगर आपने सबसे पहले बिड किया है ना, जैसे क्लाइंट ने प्रोजेक्ट पोस्ट किया, जैसे यहाँ पर क्या टेक्निकल राइटिंग, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर बिड कर देता हूँ, तो मैं क्लाइंट के साथ इनबॉक्स में चला जाता हूँ। जो बंदा सबसे पहले यहाँ पर बिड करता है, फर्स्ट जो बिडर होता है वो क्लाइंट के साथ इनबॉक्स में चला जाता है, तो उसके पास ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो प्रोजेक्ट विन कर ले। सो यू कैन डू दिस, आप इसकी बिड लिख भी सकते हैं कोई, यानी कि डेमो बिड भी अपने पास रख सकते हैं, कोई इसका प्लेटफॉर्म भी बता सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आप डिफरेंट बिड सेंड कर रहे हैं तो उसकी प्रायोरिटी होती है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया कि लोगों ने बिडिंग किया हुआ है, इसे कोई बिडिंग नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है, हमारे पाकिस्तानी भाई को किसी ने बिडिंग नहीं किया। सेवनटीन बिड्स हो गई है ये, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ शो नहीं हो रही। अच्छा, इसका दूसरा भी देख लेते हैं। मैं यहाँ पर विंडो इंटीरियर दूसरी ओपन करता हूँ, न्यू, ठीक है, मैं ये ओपन करता हूँ, पर फिर ओपन करते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये प्रोजेक्ट है, वर्डप्रेस है, अच्छा मैं चाह रहा था कि मुझे यहाँ पर शो हो जाता, क्या शो हो जाता, जो बिडिंग है वो शो हो जाती, लेकिन वो नहीं हुई। मैंने इस मकसद के थ्रू, इस मकसद के तहत मैंने ओपन किया था। कर लेते हैं, क्या पता हमें प्रपोजल शो हो रहे, नहीं जी प्रपोजल शो नहीं हुई। ओके ठीक है, अच्छा इसकी हमें यहाँ पर जॉब शो नहीं हो रही, बट 17 बिट्स यहाँ पर आ गई हुई है, ठीक है, 17 बिट्स आ गई हुई है, तो उसमें से वो चूज करेगा। वापिस आते हैं, मैंने अभी जो लास्ट में बताया कि जब सबसे पहले बिट करता है उसको क्लाइंट के साथ इनबॉक्स में बात करने का मौका मिल जाता है। इसके साथ हम वापिस चलते हैं, यहाँ पर ब्रोज हो गए, माई प्रोजेक्ट, ठीक है, जो मेरे प्रोजेक्ट चल रहे होंगे वो यहाँ पर शो हो रहे होंगे, ठीक है, मैं व्यू देख सकता हूँ, मैसेज यहाँ से देख सकता हूँ, अपडेट्स आ रहे होंगे बार बार, जो पॉपअप शो हो रहा था, ठीक है, वो शो यहाँ पर शो हो रहे होंगे। इसके बाद ब्राउज कर सकते हैं, हमने बताया था कॉन्टेस्ट है, फ्रीलांसर मैं किसी को करना चाहूँ, शो केसेस है, शो केस में चलते हैं, ये लोगों ने अपना काम शो केस किया हुआ है, सबमिट शो केस, हम भी अपना काम शो केस कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, कि उन्होंने जो वेबसाइट बनाई है, जो डिजाइन किए हुए हैं, ठीक है, वो उन्होंने शोकेस किया हुआ है, हम भी अगर चाहें तो अपना काम शोकेस कर सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद वापिस आते हैं ब्राउज में, रिक्रूटर चलते हैं, हाउ डज रिक्रूटर वर्क, पोस्ट योर रिक्रूटर प्रोजेक्ट, ठीक है, वो इनवाइट द बेस्ट, ठीक है, फाइंड द प्रेफरेंस फर्स्ट, रिक्रूटर अगर मैंने फाइंड करना है तो मैं इस तरह फाइंड करता हूँ। कॉन्टेस्ट का मैंने बता दिया, कम्युनिटी है, जॉब लोकल जॉब्स है, मेंबरशिप है, मेंबरशिप है वन ऑफ द मोस्ट वांटेड थिंग हियर, अगर आप मेंबरशिप ले लेते हैं, ठीक है, आपको मंथली प्लान होता है, एनुअली प्लान होता है, इशू नहीं हो रहा, ठीक है, मंथली ये आपका मंथली 15 बिट्स पर मंथ मिलेंगी, ठीक है, 30 स्किल्स होंगी, अनलॉक होगा, मैं इसको अपग्रेड करता हूँ। अच्छा जी 15 बिट्स पर मंथ होंगी, 30 स्किल्स होंगी, अनलॉक रिवॉर्ड्स ही होंगे। अच्छा मैंने पहले वाले ऑर्डर पे करना है, ठीक है, तो जो कि मैं नहीं इनको पे करना, इससे मैं वापस चला जाता हूँ। दूसरा जो होता है इसके अंदर आपने जो करना है, आपका जो मेंबरशिप होगी आपको फ्री मिल जाएगी, कौन सी मिलेगी आपको,
आपको ये वाली मेंबरशिप फ्री मिलेगी $9.95 की। इसका सिनेरियो ये होता है कि आपको अपना पेमेंट मेथड ऐड करना होता है, जैसे ही आप पेमेंट मेथड ऐड करते हैं तो आपको ये मेंबरशिप फ्री मिल जाती है। इसके अंदर आपके पास 100 बिड्स आ जाती हैं। जब आपके पास 100 बिड्स आ जाती हैं, इसका मतलब होता है कि आप 100 टाइम किसी क्लाइंट को टॉक किसी क्लाइंट को नॉक कर सकते हैं, किसी प्रोजेक्ट के लिए बिड कर सकते हैं। सो अगर तो आप एक्टिव हैं, आपका प्लान है कि आपने इस मंथ के अंदर 100 बिड्स करनी है, तो आप इस अपग्रेड करें और काम शुरू कर दें। आई बिलीव आपको इतने प्रोजेक्ट मिल जाते हैं, इतने एक दो भी प्रोजेक्ट मिल जाएगा तो इतना हो जाएगा कि आप नेक्स्ट टाइम ये प्लान अपग्रेड कर सकते हो। जब नेक्स्ट टाइम आप प्लान अपग्रेड करते हो, इस दफा आप 2 भी करेंगे, नेक्स्ट टाइम आप 5 करेंगे, तो आपका जो साइकिल है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, वो ज्यादा बेहतर परफॉर्म करने लग पड़ेगा। लास्ट जो था मेरा बैच, उसमें स्टूडेंट्स ने किया, यहाँ से फ्रीलांसिंग से भी प्रोजेक्ट किए हैं, फाइबर से भी किए हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से प्रोजेक्ट नहीं किए उन्होंने। बिल्कुल ठीक है, हाँ मैं यहाँ से लॉगिन हूँ, ठीक है। तो वहां पर मैं लॉगिन नहीं था, इस तरफ एक मैं साइट के ऊपर लॉगिन हूँ, दूसरी साइट पे मैं लॉगिन नहीं था। जैसे यहाँ पर मैं हूँ, वहां पर भी ट्राई कर लेते हैं। आप कह रहे लॉगिन होके देखना पड़ता है, लेट मी ट्राई, अगर हम लॉगिन होके देख लें तो लॉगिन करते हैं यहाँ पर। लॉगिन होते हैं जी, लॉगिन होके देखें, अभी वहाँ पर मुझे शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ, अभी जो होगा आपका जो क्वेश्चन होंगे वो हम लेंगे, ताकि आपके क्वेश्चन ले लिए जाएं पहले, उसके बाद हम आगे फर्दर मूव करेंगे। हमारे पास अभी 15 मिनट्स हैं, ठीक है। आज इनके शॉर्ट क्लास है फ्राइडे की वजह से, जो अभी आपके क्वेश्चन क्यों लीजिए काइंडली आप बताएँ, वो हम उसके पर हम बात कर लेते हैं। कोई भी क्वेश्चन क्यूरी जो आपको फेस कर रहे हो या आपको आया हो, निशान मैं आपके साथ वैसे एग्री हूँ कि वाकई वहाँ पर ओवरक्राउडेड है, नो डाउट, लेकिन फिर भी चांसेस होता है कि किसी की लक चल जाए। ये इसी तरह डिफरेंट कंपनीज काम कर रही होती हैं, डिफरेंट लोग यानी कि काम कर रहे होते हैं, तो उनका हर एक का एक अपना टेम्परामेंट होता है। इसी तरह फ्रीलांसर, फाइबर, अपवर्क का तीनों का काम करने का डिफरेंट एरिया क्राइटेरिया, और क्लाइंट भी तीनों पर डिफरेंट है। एज पर माई एक्सपीरियंस, मैं अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, ठीक है, फ्रीलांसर पे भी मैंने काम किया, फाइवर पे भी किया, अपवर्क पे भी किया, तीनों प्लेटफॉर्म पे मैंने काम किया हुआ है। जो फ्रीलांसर के ऊपर है ना, आपको जंप बहुत बड़ा मिल जाता है, ठीक है। आपको उम्मीद भी नहीं होती कि ये प्रोजेक्ट के इतने पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर इनके ऐसे लोग भी होते हैं, जो मैंने एक दफ़ा स्टोरी आपके साथ शेयर की थी कि एक जो प्रोजेक्ट है $5,000 का मिला था, करना क्या था, सिर्फ ड्रुपल इंस्टॉल करना था और कोई काम नहीं करना था, सिर्फ ड्रुपल इंस्टॉल करके उसका एक थीम इंस्टॉल कर देना था, तो वो वहाँ से फ्रीलांसर से मिला था। यहाँ पर ऐसे क्लाइंट होते हैं जिनको इंफॉर्मेशन नहीं होती, इतना इनकी नॉलेज नहीं होती, वो उस तरह अवेयर नहीं होते। इसी तरह यहाँ से एक प्रोजेक्ट मुझे मिला था ओपन कार्ड का, ओपन कार्ड का प्रोजेक्ट था, बंदा था कहाँ का, सऊदीया का बंदा था, तो उसका वो काम ही ओपन कार्ड पे कर रहा था, उसका एक थोड़ा सा एक थीम सॉल्व करना था, काम का वेबसाइट का करना बनाना था, और एक जगह से ना डाटा उठा के दूसरी जगह पे ट्रांसफर करना था, एक वेबसाइट से उठा के दूसरी जगह पे ट्रांसफर करना था। तो उसने काफ़ी अच्छी अमाउंट पे की थी, ठीक है। वो भी उसे मिस काम जो था वो मैक्सिमम 2 दिन का काम था, तो उससे अच्छा खासा इनके 1,000+ चार्ज कर लिया, तो वो ही वाज ओके, ठीक है। ही वाजंट एनी आइडिया कि काम किस तरह होते हैं, किस तरह चीज़ें कर रही होती हैं। सो मेरे ख्याल से यहाँ पर इस तरह के जैक लग जाते हैं, लेकिन हाँ सरदर्दी होती है, क्लाइंट उस तरह से उतना प्रोफेशनल नहीं होता जितना आपको अपवर्क के ऊपर प्रोफेशनल मिलता है।
अगर मैं क्लाइंट की बात करूँ, क्लाइंट जो प्रोफेशनल क्लाइंट आपको मिल रहे होते हैं अपवर्क के ऊपर, वैसा क्लाइंट फ्रीलांसर के ऊपर उस तरह नहीं मिलता। लेकिन मैं ये कहूँ कि मिलता ही नहीं है तो वो गलत बात होगी। अप एंड डाउन होते हैं, मिल भी जाते हैं नहीं भी मिलता, आपकी लक के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। बट स्टिल आपको ट्राई लाजमी करना चाहिए। आपको ट्राई करनी चाहिए, आप जहाँ भी आपको मौका मिले आप कोई भी अपॉर्चुनिटी को वेस्ट ना करें, ठीक है, ताकि अपॉर्चुनिटी कोई भी आपकी अपॉर्चुनिटी आपके लिए कोई डोर ओपन कर सकती है। अच्छा यहाँ पर है सर, अगर लैपटॉप की विंडो करनी पड़े, लैपटॉप की विंडो करनी पड़े तो फिर क्या करना चाहिए? फिर जैम कैन मीन लोकल होस्ट को कैसे एक्सेस करेंगे? फिर अगर विंडो आप कर देते हैं तो फिर जैम को एक्सेस नहीं कर सकते हैं आप। उसके लिए पहले होता है कि आप जैम को दूसरे किसी ड्राइव में लेके जाएं, ठीक है, जैम को किसी और ड्राइव में लेके जाएं, दूसरी चीज़। ये बड़ी मज़ेदार बात की निशान आपने सची, वहाँ पर जैक नहीं लगता, ये तो रियलिटी होती है। अच्छा यहाँ पर मैं थोड़ा सा इससे पहले क्वेश्चन का आंसर कर दूँ, उसके बाद आपकी बात पे आता हूँ। अच्छा आप लोग पहले जो जैम होगा, जैम के फोल्डर को कॉपी करके दूसरी ड्राइव पे लेके जाएंगे, सी ड्राइव पे आपने विंडो करनी है, आप डी ड्राइव में जाके उसे पेस्ट करेंगे, इसी तरह उसकी डाटाबेस आप डाउनलोड कर लेंगे। अगर एक वेबसाइट है एक ही कर लें, दो वेबसाइट है दो की कर लें, अगर तीन वेबसाइट है तो तीनों की डाउनलोड करके उनको अलग कर दें। जब दोबारा आप जैम इंस्टॉल करेंगे फिर आपको वहाँ पर जाके उनकी प्लेसिंग पे रखना पड़ेगा जैम, जैम को नहीं रखना फिर वहाँ पर, ठीक है। जैम के अंदर जो एच डी डॉक का फोल्डर है, जितनी इनकी वेबसाइट बनाई है उनको कॉपी पेस्ट करके करें। मैं जो प्रेफर करूँगा, मैं कहूँगा कि वो तीन वेबसाइट है, तीनों को आप तीनों वेबसाइट को एक जिप कर लें, ठीक है, डी में ले लीजिए, इसी तरह उनकी डेटाबेस को डी में ले लीजिए। इस तरह आप एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर ट्रांसफर करते हैं, इसी तरह आप एक विंडो से दूसरी विंडो पर ट्रांसफर करें। दैट्स द बेस्ट अप्रोच फ्रॉम माई साइड, मैं जो कह रहा हूँ मेरे विलास से। अच्छा जी जान कह रहे हैं कि अपवर्क पे जैक नहीं लगता, ठीक है, वहाँ क्लाइंट मेच्योर होता है, उसने पेमेंट लेना पेमेंट उससे पेमेंट लेना एक चैलेंज होता है, नो डाउट, एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। वहाँ पर जो क्लाइंट होता है, ठीक है, वुड यू बिलीव और नॉट, आप यू विल रियलाइज विद द टाइम, ठीक है, वहाँ पर क्लाइंट आपको ऐसे मिलते हैं जिनको आपसे ज़्यादा नॉलेज होती है, आपसे ज़्यादा काम आता है, ठीक है, बट दे कांट ड्यू टू बिजीनेस देयर लाइफ, ठीक है, ड्यू टू प्रोफेशनल वर्क या कहीं और वो बिजी होते हैं, इसलिए वो सिर्फ हायर कर रहे होते हैं बंदा। उन्हें पता होता है रेट मार्केट में ये है, उन्हें पता होता है कि वो आपको सस्ता काम दे रहे हैं, ठीक है, उन्हें इससे सारी इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन स्टिल वो आपको हैंडल कर रहे होते हैं, ठीक है, और उसको उनसे डील करना, उनसे पेमेंट निकालना चैलेंज है आपके लिए। आप में से कब प्रोजेक्ट आपने विन करना है भाई? मुझे कोई खुशखबरी बता दें कि आपने प्रोजेक्ट विन कर लिया है। अगर मैं बात करूं दूसरी क्लासेस की, सॉरी नॉन टेक्निकल की बात करूं, या मैं बात करूं क्रिएटिव की, वो तो प्रोजेक्ट विन कर रहे हैं, हमारे प्रोजेक्ट क्यों विन नहीं हो रहे? क्या ऐसी रीजन है? क्या प्रोजेक्ट विन करने को दिल नहीं कर रहा, या एक माइंड में डर है कि भाई काम होगा नहीं होगा, या बिडिंग करने को दिल नहीं कर रहा, क्या रीजन है भाई इसकी, क्यों आप उस तरह एक्टिव नहीं हो रहे? जीशान 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 बिल्कुल ठीक है जी। वन मोर थिंग, अपवर्क पे क्लाइंट को हम फ्रीलांसर्स ने खुद मेच्योर बनाया है। एक फ्रीलांसर $10 बिट करता है, दूसरा फ्रीलांसर $3 बिट करता है, वही फ्रीलांसर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डैट। द रीजन बिहाइंड डैट के यस वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डैट। जिन फ्रीलांसर को काम नहीं आता, ठीक है, या कुछ जो न्यू होते हैं वो कहते हैं कि एक प्रोजेक्ट मिलती है हमें, उसके लिए वो किसी भी लेवल तक चले जाते हैं। दूसरी चीज, अगर आप पाकिस्तानी इंडियन बांग्लादेशियों की बात करें, ठीक है, उनके लिए $1 $1 नहीं है, उनके लिए 150 रुपये हैं, उनके लिए 150 रुपये है $1, ठीक है। वो कहते हैं कि एक डॉलर, वो क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं कि $3 पे अगर हम काम करेंगे ओनली बेस, ठीक है, उनको ₹500 मिल जाएगा भाई, वो 500 का सोच के कर रहे होते हैं, वो ये नहीं सोचते कि भाई $3 मिलेंगे। तो इसलिए फिर बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, सोसाइटी का आ जाता है, और मेच्योर जो न्यू फ्रीलांसर होते हैं उनका आ जाता है, और बहुत से ऐसे फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से उन्होंने ये काम खराब कर दिए। एक सबसे बड़ी रीज़न है, अगर आप पाकिस्तान में एज अ डेवलपर स्टार्ट करते हैं तो आपको कितने स्टार्टिंग इनकम होती है निशान? अगर आप एज अ डेवलपर अपने कैरियर स्टार्ट करते हैं तो आपको कितने पैसे मिलते हैं जी निशान? या कोई और आप में से कोई भी बता दे जिन्होंने जॉब्स की हुई है, कि आप अगर आप अपना कैरियर एज अ फ्रीलांसर स्टार्ट, सॉरी एज अ डेवलपर स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एज अ कोडर स्टार्ट करते हैं तो आपको कितने पैसे मिलते हैं?
एनी वन ऑफ यू। आप में से कोई भी मुझे आंसर कर सकता है। मेरा क्वेश्चन है कि अगर आप एज अ फ्रीलांसर, मैं बात कर रहा हूँ जिशान की, अगर आप पाकिस्तान में काम कर रहे हैं या इंडिया में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप फ्रीलांसिंग नहीं कर रहे, ठीक है, तो आप वैसे ही काम कर रहे हैं, तो आपको कितना मंथली मिल जाएगा पाकिस्तान में रहते हुए किसी सॉफ्टवेयर हाउस से? अगर 1500 को मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये बन जाता 15 15। मेरा जो एक्सपीरियंस है या मैं जो ऑब्जर्व करता हूँ मार्केट में, ठीक है, आपकी जो जॉब स्टार्ट होती है वो 10,000 या 15,000 से एज अ स्टार्टर होती है, अगर आपको काम नहीं आता, ठीक है, 15 20, ठीक है, 18,000, ठीक है, बिल्कुल मैक्स 18,000, ठीक है, 15 से 20,000 या 10,000 तक भी लोग काम कर रहे होते हैं। अब सिनेरियो ये होता है कि अगर आप फ्रीलांसिंग में काम करते हैं, आप $3 पर आवर भी जॉब करते हैं, तो आपकी अच्छी खासी इनकम हो जाती है, अच्छी खासी आपको, मित अगर आप $3 करते हैं, 40 120, यानी कि अगर मैं बात करूँ $120, तो आप 1 वीक में कर लेते हैं, ठीक है, 1 वीक में अगर आपने $120 किए हैं, आपको सिर्फ 2 वीक जॉब मिलती है, आप यानी कि 2 हफ्ते काम करते हैं, तो आपको $240 हो जाते हैं, तो वो यहाँ से बहुत बड़ा है। जो बंदा यहाँ पर 10,000 में काम कर रहा है, उसके लिए $240 बड़ी बात है, उसका यानी कि पूरा सिनेरियो डिफरेंट हो जाता है, सिनेरियो चेंज हो जाता है। सो दिस इज द रीज़न, दिस इज द रीज़न कि वो लोग कहते हैं चले हमें काम मिले, हम चाहे $3 पे करें, और वो मेरे ख्याल से वो मे बी दे आर राइट देयर ओन पॉइंट कि स्टार्टिंग में वो एफर्ट कर रहे होते हैं, बट विद द टाइम आप अपना रेट सेट करते हैं, आप अपना एक वैल्यू बना के उसके ऊपर आप काम कर रहे होते हैं, आपको स्टार्टिंग में कम पैसों में भी चीज़ें सेल करनी पड़ती हैं, आपको कम पैसों में काम करना भी पड़ता है अपनी पोजीशन बनाने के लिए, हर बंदा कर रहा होता है ऐसा नहीं, लेकिन अगर आपको काम आता है, आपका ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आप विद द टाइम अपना रेट खुद डिसाइड कर रहे होते हैं। मैं अभी अपना एक जो मैंने बनाया हुआ प्रोडक्ट, मैं उसको सेल कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे बहुत कम पैसों में यहाँ पर सेल करना पड़ता है, ठीक है, बट ऐसे क्लाइंट भी होते हैं जिनसे आपको अच्छी अमाउंट मिल जाती है, ठीक है, जो आपका इनके जो बैकअप होता है वो आपका ठीक कर देते हैं। हाँ, अब जब मैं कम पैसों में सेल करता हूँ तो दिल को कुछ होता है कि भाई ये क्या, क्योंकि इनको अवेयर नहीं होते, लोगों को अवेयरनेस नहीं होती, तो इसलिए आप उस तरह भी काम कर रहे होते हैं। दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना पड़ता है, आपको अपना रेट खुद डिसाइड करना पड़ता है। किसी का और कोई क्वेश्चन, क्यूरी? निशान, आपने बड़े टाइम से ना डिसाइड किया कि आपको अपवर्क पे काम करना है। अभी वैसे फ्रीलांसर फाइबर भी अपग्रेड हुआ है, वहाँ पर भी आपको अच्छी जॉब्स मिल जाती हैं, मीन्स आप अच्छे पैसों पे काम कर लेते हैं। पॉइंट ये है कि आप मोटिवेट हो, पॉइंट ये है कि आपको कम्युनिकेशन करनी आनी चाहिए। एनीवन हैव एनी क्वेश्चन, किसी के कोई क्यूरी क्वेश्चन हो? फ्रीलांसर पे मैंने थोड़ा सा आपको बिडिंग के हवाले से बताया, किस तरह आप वहाँ पर बिड कर रहे होते हैं, किस तरह आप उसको गो थ्रू कर रहे होते हैं, जो मैंने क्लाइंट एम्प्लॉयर इन्फॉर्मेशन बताया कि क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन आपने पहले देखनी है बिड करने से पहले। दूसरी यहाँ पर एक ऑप्शन होती है कि माइलस्टोन जनरेट करना है, क्लाइंट जब तक माइलस्टोन जनरेट नहीं करेगा तब तक आपने प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं करना। क्लाइंट आपको प्रोजेक्ट अवार्ड कर देते हैं, क्लाइंट आपको कहते हैं भाई ठीक है मैंने इस पर फ्रीलांसर को हायर कर दिया, लेकिन वो माइलस्टोन एक्सेप्ट नहीं एक्सेप्ट करता, जब तक वो माइलस्टोन नहीं एक्सेप्ट कर रहा, ठीक है, तब तक आपने नहीं करना। उसकी रीज़न है कि माइलस्टोन एक्सेप्ट करने का मतलब है कि क्लाइंट ने अपने अकाउंट से पैसे निकाल के ना फ्रीलांसर को दे दिए, ठीक है, अब जब आप काम कंप्लीट करेंगे फ्रीलांसर आपके अकाउंट में दे देगा। ये क्लाइंट की एंटिटी है, ये फ्रीलांसर है, ये दरमियान में, सॉरी, ये क्लाइंट है, ये हम फ्रीलांसर हैं, ठीक है, ये freelancer.com जो है ये मिड में है। जब वो प्रोजेक्ट क्या करता है, प्रोजेक्ट अवार्ड करता है, उसके बाद जब वो माइलस्टोन जनरेट करता है, वो क्लाइंट जो होता है वो पैसे उठाते हैं, वो फ्रीलांसर को .com को दे देता है। जब हम काम कंप्लीट करते हैं, freelancer.com वहाँ से पैसे उठा के हमें दे देता है। अगर उसके पास फ्रीलांसर के पास पैसे नहीं है और आपने काम कंप्लीट कर लिया, तो आप क्लेम नहीं कर सकते। सो दिस इज़ द रीज़न आई एम सेइंग टू यू, आप पहले क्लाइंट की सारी इन्फॉर्मेशन लें, दूसरा प्रोजेक्ट तब एक्सेप्ट करें जब वो आपको माइलस्टोन अवार्ड कर दे। माइलस्टोन अवार्ड करना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा जी, आगे तो ठीक है, फ्रीलांसर पे जो कोर्स है उसकी एक
गाइडेंस दे दें, वो क्या कि वो करना चाहिए नहीं। अच्छा, उसका फ़ायदा होता है आपके पास बैचेज आ जाते हैं, जो कोर्स आपने किया होता है उसका बैच आ जाता है। अगर आपके पास आपको फ्री कोर्स ऑफर हो रहे हैं तो फिर करें, फ्रीलांसर के ऊपर या किसी भी वेबसाइट पे अगर आपको फ्री कोर्स ऑफर हो रहे हैं तो फिर आप करें, अगर नहीं हो रहे तो ना करें। ठीक है, ओके जी। ये क्वेश्चन है सर, अगर पेपॉल को इंटीग्रेट करना है किसी साइट पे से तो कैसे करें? बहुत ईजी है, अब मुझे बताएं कौन सी साइट है। अगर वर्डप्रेस की साइट है तो इजी बिजी है, ठीक है। अगर शॉपिफाई की साइट है फिर भी इजी बिजी है, सिर्फ एक वेब से आपने ईमेल ऐड करना होता है और लिंक ऐड करना होता है और कुछ भी नहीं करना होता, ठीक है। उसके साथ अगर मैं बात करूँ, कोई कस्टम काम है तो उसके लिए थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, बट कोड उसका भी मिल जाता है, ठीक है, कोड मिल जाता है, उसको हमने इंटीग्रेट करना होता है। सर, फ्रीलांसर की प्रीमियम मेंबरशिप का फ़ायदा है? प्रीमियम मेंबरशिप का फ़ायदा है, सब फ़ायदा तब है जब आप काम करते हैं, ठीक है। इसके लिए हम जो मैं जब काम कर रहा था freelancer.com की, मैं अपने एक आईडी शेयर कर देता हूँ आपके साथ, हम पूरी टीम बैठ के काम कर रही थी। हमने 5,000 बिड लिया हुआ था, ठीक है, जो प्रीमियम पैकेज है 5,000 आई गेस, ठीक है, हमने वो लिया था, हम 500 या 5,000, मुझे अभी एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है। तो हम वो बैठे होते थे, हमारी पूरी टीम बैठी होती थी जो बिडिंग कर रही थी एट अ टाइम, ठीक है। तो वो बहुत मज़ेदार सिनेरियो था, अच्छा था, लेकिन वो थोड़ा पास पास की बात है, इतना भी पास नहीं है कि 6 महीने पहले की। अगर मैं बात करूँ तो टाइम ये जो आया कोरोना से पहले की बात है, 7-8 महीने हो गए होंगे कि उससे पहले उस टाइम पे हम कर रहे होते थे और अच्छा काम चल रहा था। लेकिन उस तरह फिर हमें अभी जब लॉकडाउन हुआ तो हम एक जगह पे बैठ के नहीं काम कर सकते, इसलिए हमने थोड़ा सा अलहदा किया हुआ है। बट फायदा होता है अगर आप एक्टिव हैं, आपका प्लान है कि आपने प्रोजेक्ट विन करना है तो आप विन कर लेते हैं। अच्छा जी, वो ईशान कह रहे हैं, यस व्हाट शुड बी द बेस्ट ऑर्ली रेट अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस? अच्छा ईशान, मैं इसके हवाले से बात करूंगा, ठीक है। ये आपकी एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है, आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड कर रहा होता है। आप $20-25 तक इजीली, अगर आप PHP के डेवलपर हैं, आप वर्डप्रेस के डेवलपर हैं, तो ये आपका रेट बनता है, ठीक है। अगर आपकी फील्ड चेंज है, जैसे आप .NET पे काम कर रहे हैं, एंगुलर जेएस पे काम कर रहे हैं, फिर आपके 35-40-60 तक भी चले जाते हैं, ठीक है, तो वो आप वेरी कर रहे होते हैं। हमारे भी अगर हम PHP वर्डप्रेस एक्सपर्ट हैं तो हम 30-35 तक जा सकते हैं, डिपेंड है एक्सपीरियंस कितना है और कितना आपका पोर्टफोलियो बना है, आपने अपने आपको मार्केट कितना किया, इसके ऊपर बड़ा बेस करता होता है। मैंने अभी एक रिसेंटली मेरा एक क्लाइंट है, उसके साथ मेरी कम्युनिकेशन चल रही है, उसके साथ जो प्रोजेक्ट की भी देखना होता है कि प्रोजेक्ट है कितना, एक ऑर्ली रेट के ऊपर बात चल रही है, ठीक है। उसके साथ जो अभी डिसाइड हो रहा है, मैं कह रहा हूँ उसको कि $15 दे दो, ठीक है। अगर वो $15 दे देता है, वो डायरेक्ट क्लाइंट है, ठीक है, तो वो मेरे पूरे साल के जो एक्सपेंसिस वो सारे मैनेज करेगा, मीन्स हर चीज़ मैनेज करने के बाद भी वो प्रॉफिट में है। किस तरह प्रॉफिट में है कि वो जो प्रोजेक्ट चलना है वो तकरीबन 2 साल 3 साल तक चलेगा, ठीक है। लेट्स सी, उसकी भी कम्युनिकेशन मेरी हो रही है, आई बिलीव इंशाल्लाह कि वो प्रोजेक्ट मिल जाएगा। सर, मैंने कल एक गिग बनाई, उसकी 20% आ गया, ठीक है, मंथली का आ गया। सर, गिग को रैंक करने के लिए इस SEO के अलावा क्या करना है? SEO ही चाहिए, और इसके लिए बेस्ट होता है कि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, जो आपके सोशल लिंक्स हैं वहाँ पर वो आप शेयर करें ताकि उसको बूस्ट मिले। यस निशान बता रहे हैं, पेपॉल इंटीग्रेशन प्लगइन मिल जाते हैं, हम सिर्फ उसे अप्लाई करते हैं। सर, FB पर, फेसबुक पर भी क्या प्रोजेक्ट लिया जा सकता है उसके लिए? पॉइंट बिल्कुल लिया जा सकता है, ठीक है। मैंने फेसबुक से 3-4 प्रोजेक्ट लेके काम किया हुआ है, ठीक है, लेकिन उसका मैंने स्नैरी भी होगा था मेरा, मैंने वो प्रोजेक्ट अपवर्क पे अवार्ड करवाया था, ठीक है, मैंने वैसे काम ही था किया, बट स्टिल आपको मिल जाता है, लोग मिल जाते हैं, आप उनके साथ काम करें तो वो आपको ये देख लेना कि प्रोफाइल उसकी, एक दफ़ा आप प्रोजेक्ट लेने से पहले उसकी प्रोफाइल देख लेना कि वो ठीक है, वो फ्रॉड तो नहीं है। आप किसी की प्रोफाइल पे जाएं तो आप उसको देख के आपको अंदाज़ा हो जाता है कि किस तरह की प्रोफाइल है, किस तरह का सिनेरियो है। सर, टीचर स्टूडेंट के लिए कम्युनिकेशन थ्रू वीडियो के लिए कौन सा प्लगइन यूज़ होता है? टीचर स्टूडेंट के लिए वीडियो जूम की देखें, जूम का कोई आपको ऐप मिल जाए, जूम का प्लगइन भी मिल जाए, अगर तो मिल जाता है तो वो बेस्ट होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। जूम का आप लगे देखें अगर मिल जाता है। निशान, आपके ख्याल से क्या आउटली रेट होना चाहिए, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। जी, इजहारुल हक, इजहारुल हक कैसे हैं आप, पहले तो मुझे बताएं आप गाइब कहाँ पर रहते हैं, आप हमें लिफ्ट नहीं करा रहे, कहाँ पर गाइब हैं आप? दूसरी चीज थी जो है कि आपने पहले बताया तो आप यूज अब कर सकते हैं, यूज कोई ऐसी बात नहीं, आप यूज़ करें, लेकिन उसको अपग्रेड करने के बाद, उसको अपग्रेड करना है आपने, यानी कि अप करते हैं उसके अंदर जो चीज़ें चेंज करनी है या कोई चीज़ें जो चेंज करने वाली है वो करने के बाद आप उसे यूज़ कर सकते हैं, वैसे आप उसे यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है जी। किसी का कोई क्वेश्चन क्यूरी,
Anyone have any question? श्योर, मैं अरूज आपकी बात को एग्री करता हूँ, मैं उसकी असाइनमेंट आपको असाइन कर देता हूँ आज इंशाल्लाह, ठीक है? अच्छा जी सर, फ्रीलांसर, ओके, लेट मी रीड ऑल योर कमेंट ऑनेस्टली. अच्छा जी, यहाँ पर मैं असाइनमेंट साइन कर देता हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन है जी सर, फ्रीलांसर के हवाले से, तो क्लाइंट हमारा प्रोफाइल भी चेक करेगा फ्रीलांसर के हवाले से, प्रोफाइल के हवाले से तो बिल्कुल चेक करेगा, ठीक है? इस पर क्या ऐसी क्या बात है, तो चेक करे, कोई ऐसी बात नहीं है सर. फ्रीलांसर पर भी बिड करते पड़ती है जी, बिल्कुल फ्रीलांसर पर भी बिड करनी पड़ती है, लेकिन प्लीज असाइनमेंट की लास्ट डेट मैंशन ना करें. उमर भट्टी साहब, कैसे हैं आप? मैं अगर नहीं मेंशन करूंगा तो आप ही सबमिट कब करवाएंगे, बताएं मुझे जरा. उसके लिए हम कौन से चीजें ऐड करनी चाहिए, किसके लिए मुझे काइंडली बताइएगा, किसके लिए हो मैनी वी शुड बाय. अच्छा, आपने एक चीज याद रखनी है सब स्टूडेंट, एक दफा मेरी एक बात सुन ले, ठीक है? आपने कोई भी चीज परचेज नहीं करनी, आपने पेमेंट नहीं अपने लगानी, पैसे नहीं लगाने, फ्री जो चीज मिल रही है उसको यूज करना है. फ्रीलांसर के ऊपर भी आपको पहले 8 या 15 बिड्स मिलेंगी, उसको यूज करना है, उसके बाद आपने अपग्रेड करवाना है. अपग्रेड भी तब आपका होगा, वो फ्री होगा, 100 बिड्स आपको फ्री मिलेंगी. वो किस तरह मिलेंगी कि आप अपना पेमेंट मेथड ऐड करवाएंगे, एक चीज होगी. दूसरी चीज, अगर आपने पैसे लगाने ही हैं, आपका प्लान है कि यू वांट टू स्पेंड सम मनी, ठीक है, देन यू हैव टू गो ऑन अपवर्क, ठीक है? फिर मैं आपको अपवर्क रिकमेंड करूंगा, ठीक है? वहां पर ज्यादा बेहतर चांसेस होते हैं, यहाँ पर भी चांसेस होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो फ्री चीजें हैं पहले उनको यूज करते हुए काम करें. अगर वो उसकी वजह से रिस्पॉन्स नहीं आता और आपको लगता है कि फ्रीलांसर पोर्ट जो प्लेटफॉर्म है वो आपके एटीट्यूड के मुताबिक ठीक है, देन यू हैव टू गो देयर, ठीक है? ऐसे आंखें बंद करके पेमेंट कहीं भी नहीं लगानी आपने, ये याद रखना, ठीक है? सर, प्रोफाइल माइग्रेशन के हवाले से, मुझे बताइएगा प्रोफाइल माइग्रेशन के वाले से क्या है, एफबी की प्रोफाइल पे अच्छा, एफबी के ऊपर अच्छा, फेसबुक के ऊपर आप मेंशन करें आप काम कर रहे हैं, ठीक है? आपका स्किल सेट है, ठीक है? जैसे आपके क्लासेस होती हैं, ठीक है, आप पोस्ट कर सकते हैं, यू जस्ट कंप्लीटेड योर फर्स्ट असाइनमेंट, ठीक है? इस तरह की पोस्ट आप कर सकते हैं, आप लोगों को गाइड कर सकते हैं कि आप ये काम कर रहे हैं, ठीक है? इस हवाले से कोई ऐसी बात नहीं, आप उनको बताएं कि आप काम कर रहे हैं, तो वो दे विल अंडरस्टैंड, दे विल सी कि आपको काम आता है, लोग देख के आपके साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कि आपको ये काम आता है, काइंडली आप हमारी हेल्प कर दें. यूजिंग दिस वे यू कैन गो. किसी का कोई क्वेश्चन, क्यूरी जी? इजहारुलक, मैंने दोबारा बताया कि आपने फ्रीलांसर पे बाय नहीं करनी बिल्ड, ठीक है? वेबसाइट माइग्रेशन, अच्छा जी, माइग्रेशन, वेबसाइट माइग्रेशन इसे क्या कहते हैं, सर्वर लोकल. मुझे इसका नाम सोचने दे, मैं बता देता हूँ. इसके वाले से आपने बताना है कि आप एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे चेंज करेंगे, ठीक है? तो आप डाटा लॉस नहीं होगा, ठीक है? जो डाटा होगा वो आपका शो हो रहा होता है. इसको थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा कि माइग्रेशन के हवाले से क्या होना चाहिए.
अच्छा जी, माइग्रेशन के वाले से मेरे वेबसाइट लोकल सर्वर, आप इसे कह सकते हैं कि आप उनकी वेबसाइट ट्रांसफर करेंगे वन सर्वर टू अनदर सर्वर, ये आप सर्विसेज उन्हें देंगे, ठीक है। तो आप कह सकते हैं पीएचपी वर्डप्रेस टू वर्डप्रेस होगी, ठीक है। या आप एक होती है माइग्रेशन होती है कि मैंने मजेंटो टू वर्डप्रेस करना है, ठीक है, या मैंने शॉपिफाई टू वर्डप्रेस करना है या वर्डप्रेस टू शॉपिफाई करना है, तो ये आप देखिए इसके वाले से इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर दूसरा जो आया, आई थिंक $5 से स्टार्ट करना करें हम, ठीक है, $5 से हम स्टार्ट करें। बाकी अपना कवर लेटर बहुत मैटर करता है, आपने राइटिंग स्टाइल कितना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वो कवर लेटर में आपका राइटिंग स्टाइल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कवर लेटर में रेफरेंस लिंक्स मेंशन करें जो आपने काम किया हुआ है, इससे क्लाइंट आ जाता है एज पर माई एक्सपीरियंस, देन आपकी कम्युनिकेशन पावर मैटर करती है कि आपने कितना चार्ज करना है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं यार, परफेक्ट है, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे अगर आपका टेस्ट है तो, ठीक है, आप प्रैक्टिस करें, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, हम क्लाइंट को कह सकते हैं कि आप खुद देखो सर्विसेज फी भी पे करनी है मुझे, सो आई एम चार्जिंग यू नथिंग लाइक दैट। यस, आप डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू अपने शेयर कर सकते हैं, और बाय द वे दिस इज वेरी नाइस पॉइंट कि वाकई आपने पे करना है, बट यहाँ अलो नहीं होता कि आप क्लाइंट को बताएं कि आप पे कर रहे हैं, कि फ्रीलांसर के ऊपर तो अलो नहीं होता कि हम बताएं क्लाइंट को कि हम ये फ्रीलांसर की फीस भी पे कर रहे हैं। फ्रीलांसर पे जब आपको प्रोजेक्ट अवार्ड होता है तो उसी वक्त जो फी होती है ना, जैसे उन्होंने बोला कि 10% काटना है, जैसे ही वो अवार्ड हुआ उसी वक्त उन्होंने 10% काट लेना है। इसलिए एक्सेप्ट करने से पहले आई ऑलवेज प्रेफर कि आप क्लाइंट से कुछ ना कुछ पैसे पहले ही निकवा लें। तो किस तरह निकवा लें कि उसे जब वो क्रेडेंशियल सेंड करता है, जब वो काम स्टार्ट करता है, आप उसी वक्त उसका थोड़ा सा काम कर दें, आप उसे बोले भाई $10 तुम रिलीज कर दो ताकि मैं आगे फर्दर काम स्टार्ट कर लूँ, और $10 रिलीज करता है तो वो फिर इक्वल हो जाता है बैलेंस, फिर आप आगे काम स्टार्ट कर देते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। मैं आपको एक असाइनमेंट दे दूंगा पीएचपी के हवाले से जो आपने प्रैक्टिस करनी है, बाकी आप बिडिंग करें जितनी आप कर सकते हैं। मैंने एक प्रोजेक्ट भी यहां पर सेंड किया हुआ है फेसबुक के ग्रुप के अंदर, जहां पर आपने बिड करते हैं, ठीक है, जहां पर आप बिड करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला फजल करम करे, आपको जैसे भी क्लाइंट का रिस्पॉन्स आता है आप इसका कम्युनिकेट कर सकते हैं, मुझे फेसबुक पे कॉल कर लें, कोई ऐसी बात नहीं है, मैं अवेलेबल हूँ इंशाल्लाह, ठीक है। अल्लाह हाफिज, थैंक यू जिशान, थैंक यू टू एवरीवन, अल्लाह हाफिज।